हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के शेयर प्राइस के बारे में, कंपनी के कंपैरिजन की भी बात करेंगे दोस्तों, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस के बारे में बात करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करेंगे और कंपनी के ऊपर रेवेन्यू क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उम्मीद मैं ये करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिल सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो थैंक यू सो मच, और अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि हमने अपना नया चैनल ओपन कर लिया है जिसके ऊपर हम शेयर मार्केट की डिटेल इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। वहां पे हम बताएंगे कि पोर्टफोलियो किस तरीके से सेट किया जाता है, शेयर मार्केट की स्टडी के लिए अगर बात करी जाए कि शेयर मार्केट के अंदर शेयर खरीदने से पहले आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और इसी तरीके की बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज आपको उस वाले चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। वो एक तरीके से ट्यूटोरियल वीडियोज होती है दोस्तों, जहां पर हम आपको शेयर मार्केट को सिखाने की कोशिश करते हैं और शेयर मार्केट के बारे में आपको डिटेल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है दोस्तों वो चैनल भी आपको पसंद आएगा। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वाले चैनल का लिंक हमने दे दिया है, अगर आप चाहें तो जाकर के विजिट कर सकते हैं और उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में, जहां पे हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के शेयर प्राइस के बारे में। दोस्तों, अगर अभी आप इस शेयर को बुक करना चाहते हैं तो तकरीबन 2400 रुपए में आप इस शेयर को बुक कर सकते हैं एनएससी और बीएससी के अंदर। वहीं अगर दोस्तों बात करें आज के कंपैरिजन के बारे में तो 5 दिन का एनालिटिक्स आप देख सकते हैं, 5 दिनों का चार्ट पैटर्न आप आराम से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उछाल 5 दिनों के अंदर इस वाले पॉइंट पे आया है कंपनी के अंदर, जो कि 2500 रुपये के आसपास इस शेयर की कीमत हो गई थी। उसके बाद में आप देखेंगे लगातार गिरावट देखने को मिली है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है, जैसे इस वाले पॉइंट पर 2400 हो गया था, उसके बाद फिर लगातार कंपनी की थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बनी रही। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2460 हो गया, फिर कंपनी के पास गिरावट आई और के बाद फिर उछाल, और वहां से आप देख सकते हैं पूरे की पूरी चार्ट पैटर्न नीचे की ओर आता जा रहा है, जो कि एक बुरा सिग्नल होता है किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात क्या है, अच्छी बात आप देखेंगे कि यहां पे इस पॉइंट के आने के बाद, इस पॉइंट के बाद में यहां पे उछाल आता जा रहा है शेयर के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। और यहां पर अगर बात करें दोस्तों 12 जून के बाद में कंपनी के ऊपर काफी अच्छी तरीके से यहां पर उछाल आया है, फिर नीचे की ओर आती जा रही कंपनी धीरे धीरे आप यहां से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 5 दिनों के एनालिटिक्स से, 5 दिनों के चार्ट पैटर्न से आप शेयर का बिहेवियर नहीं जान सकते, इसी के लिए हम 1 महीने का कंपैरिजन भी कर लेते हैं। 1 महीने पहले अगर आप कंपनी के स्टेटस देखेंगे, कंपनी की हालत देखेंगे, 1 महीने पहले शेयर की कीमत तकरीबन 2000 थी और अभी तकरीबन 2400 रुपये शेयर है, तो आप देख सकते हैं 400 रुपये का बेनिफिट आपको हो रहा है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए 2.50% के हिसाब से भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, हो सकता था अगर आप 1 महीने पहले इस शेयर को खरीद लेते तो। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर आप बात करें 1 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा कंपनी का शेयर लो हो गया था 1829 रुपये के ऊपर, जबकि बात करेंगे 26 मई के दिन, और उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर कंपनी उछाल के साथ में तेज़ी से यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी ऊपर आता जा रहा कंपनी का। हालाँकि थोड़ी थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है और ये सारी की सारी चीज़ें लाइफ की तरह ही काम करती हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें पिछले 6 महीने के चार्ट पैटर्न के बारे में तो आप देखेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न के अंदर ऐसा नहीं है, कोविड-19 का असर इस वाली कंपनी पे नहीं पड़ा, इस वाली कंपनी के ऊपर भी कोविड-19 का असर पड़ा। दोस्तों, फाइनेंस के लिए आप देख पता है किस तरीके से कंडीशंस लगा दी गई हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, ऊपर लोग पैसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कंडीशंस लगा दी गई हैं लोन्स वगैरह के लिए, तो कंपनी का शेयर नीचे ऑटोमेटिकली आता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें पिछले 6 महीनों की, तो तकरीबन 6 महीने पहले इस शेयर की कीमत 4000 थी, आज इस शेयर की कीमत 2400 रुपये हो गई है। आप यहां से पूरी की पूरी एनालिटिक्स देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी आप यहां पे अगर आपके पास शेयर है और आपने 4000 पे खरीदा था तो 6 महीने पहले, और अभी आप बेचने की सोचे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इसको होल्ड करके रखिए। देखिए, लॉस तो हो गया है आपका, लेकिन दोस्तों यही कंपनी आपको लॉस कवर करके भी देगी, बहुत ही अच्छी तरीके से रिटर्न भी प्रोवाइड करेगी, लेकिन थोड़े से पेशेंस आपको ज़रूर रखने पड़ेंगे। वहीं अगर दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कितना शानदार चार्ट पैटर्न है,
मैक्सिमम अगर देखे, मैक्सिमम पूरे सालों का चार्ट पैटर्न देखे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2014 से यहाँ पे अगर बात करें 2014 से कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आती जा रही है, ऊपर की ओर आती जा रही है और यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी एक तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कंपनी पहुँची और इसका जो शेयर प्राइस था 4,880 रुपये के आसपास पहुँच गया, जो कि आप यहाँ पे चार्ट के अंदर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए दोस्तों, ये तो थी बात चार्ट पैटर्न के बारे में, एनालिटिक्स के बारे में कि किस तरीके से कंपनी का बिहेवियर है, किस तरीके से शेयर अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचा रहा है। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में ताकि और भी आपको डिटेल के अंदर पता चल सके। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 5.5% से बढ़ गया है कंपनी का रेवेन्यू, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं अगर दोस्तों अगर नेट इनकम की अगर बात करें तो नेट इनकम कंपनी की नीचे आ गई है 19% से, और वहीं अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करेंगे तो 20% यानी 23% के आसपास यहां पे गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। वहीं अगर दोस्तों अगर बात करें यहां पे कैश ऑन होल्ड के बारे में तो 298 यानी अप्रॉक्सीमेटली यहां पे 300 के आसपास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अब दोस्तों ये तो थी कंपनी की सारी डिटेल्स के बारे में। मैं लेकर के चल रहा हूं आपको एक वेबसाइट के ऊपर जो कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, और उस मनी कंट्रोल की वेबसाइट को ही हम पूरा का पूरा क्रेडिट देते हैं इस चीज़ का। दोस्तों मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर, और अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल प्लस बैलेंस शीट के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कंपनी किस कितने कर्जे में है और कंपनी के ऊपर क्या आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करी जाए इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में, किसी भी शेयर के अंदर पैसा लगाने से पहले आप इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में ज़रूर जानकारी लेना पसंद करते हैं, और काफ़ी जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करी जाए इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी का 2018 और 2019 का लगभग एक जैसा है, 30% की अगर मैं बात करूँ 0.30% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है, लेकिन इतना नेग्लिजिबल है, इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। जितने भी कंपनी के रिजर्व जो होते हैं, रिजर्व एसेट्स होते हैं, वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पे 2018 के अंदर तो तकरीबन 16,403 करोड़ था, और यहीं पे 2019 के अंदर आकर के 19,310 करोड़ हो गया, जो कि एक अच्छी बात है, एक हरी झंडी है। इस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की अगर बात करें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, 2018 की कंपैरिजन में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 2 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा हो गया है। अगर मैं बात करूं 2018 के अंदर जो कंपनी के ऊपर कर्जा था वो तकरीबन था 43,167 करोड़, और वहीं पे कंपनी का 2019 के अंदर जो कर्जा हो गया वो 86,351 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा हो गया है लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर दोस्तों बात करें इसी को शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर, तो कंपनी के ऊपर 2019 के अंदर कोई भी कर्जा नहीं था, हालांकि 2018 की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 10,571 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जा था, लेकिन 2019 के अंदर कंपनी के ऊपर 0 कर्जा है शॉर्ट टर्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में बात करें तो 0 नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे यहां पे कंपनी के फिक्स एसेट्स के बारे में तो फिक्स एसेट कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये देखिए यहां पे सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं, यहां पे डायरेक्ट टैक्स इन एसेट्स देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांटेज देख सकते हैं, और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पूरी की पूरी डिटेल है किसी भी शेयर को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे इस शेयर के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए कि आपको इस शेयर के अंदर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें एक्साइज सर्विसेज टैक्सेस के बारे में तो 0 नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे घटती हुई नज़र आ रही है अदर इनकम 2018 के कंपैरिजन में, यहां पे 41 करोड़ थी और उसके बाद में 2019 के अंदर 16 करोड़ ही रह गई है तकरीबन, लेकिन इसको भी नेग्लिजेंस के ऊपर रखा जा सकता है, नेग्लिजिबल है ये और इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। वहीं दोस्तों काफी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमें कौन से शेयर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर को होल्ड करके रखना चाहिए, तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ये पूरा का पूरा डिसीजन आपका होता है, आपको कौन से शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर को होल्ड करके रखना है, इसके अंदर हम आपके लिए कुछ भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों हम भी ये चाहते हैं कि आप भी अपनी पर्सनल स्टडी रखें, किसी भी शेयर के ऊपर नजर रखें, आप अच्छी तरीके से बिहेवियर समझें, उसके बाद ही उसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी हार्ड एंड मंडी अच्छी तरीके से रिटर्न प्रोवाइड कराए आपको, ना कि आपको नुकसान पहुंचाए। उम्मीद है दोस्तों इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो हमारा दूसरा चैनल है डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, जहां पे शेयर मार्केट की क्लासेस वगैरह हम चलाते रहते हैं, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से किसी भी शेयर को या शेयर मार्केट को समझ
समझने में आसानी हो उसको भी जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिल सकें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।